वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे केराना के आतताइयों का सम्मान करते थे, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। जब मुजफ्फरनगर में दो निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है, इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है, ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं।